बाल वास्ते बाल पुराण पुराण वास्ते बड़ी बेहतरीन लेकिन बस पंद्रह एक मिनट इंतजार करना पड़ेगा। दाढ़ी बनवाने के लिए आए थे, ये देखो ये दाढ़ी से गाली भी करनी है आज। क्यों शहजाद करेगा ना, ये नहीं करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। हाजिर भाई प्रॉपर कर ये हमारे उस्ताद हैं मियाकू खान, ये हमारे शेव वेव करते हैं, बाल भी यही बनाते हैं। तो आज इसके पास शेव और दाढ़ी बनवाने के लिए और सॉरी बाल कटवाने के लिए आया था, लेकिन बाल तो नहीं कटवा सक रहा और शेव करवा रहे हैं। टाइम शॉर्ट है, रात के 12 बज रहे हैं, तकरीबन 12:15 हो रहा है। ये बॉय देखे माशाल्लाह देशरफ भाई को हमने तैयार किए, बिल्कुल वी आई पी करके इन शाला कल दोस्ती एक शादी है तो ना हम हाँ। अच्छे से उसको दिल भर गया, दूसरे करने जा रहे हैं आपको ये स्पेशली है ना। आप बोलते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए जो है ना तैयार हुआ करो जी, और आप लोगों ने जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताना है लियाकू भाई ने मुझे कैसा तैयार किया है। ये भी हमारे लियाकत भाई हैं, ये अनमता बाजी भी सुबह सेरी के टाइम पे उठी है, इसकी शक्ल देखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोग को जो है ना जुम्मा मुबारक हो। आज का जो जुम्मा है, जुम्मा तीसरा जुम्मा है माशाल्लाह, सही है। और आज हम लोग कभी ड्यूटी पे पहुँचों, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट, तो सोचा दोस्तों से अपने दोस्तों को जो है ना सबको जो है ना जुम्मा मुबारक बोल दूँ, फिर उसके बाद जो है ना काम काज शुरू करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, रास्ते में हम लोग आए, बड़ा प्यारा माहौल था और अच्छा माहौल था। मैंने रास्ते की जो है ना काफ़ी सारी जो है ना थोड़े से व्लॉग बनाया, वो आप लोगों ने व्लॉग देखना है लाजमी, क्योंकि मैंने आज जो ना आज के व्लॉग में जो है ना एक आखिरी में जो है ना जो बात करनी है वो आप लोगों ने लाजमी सुननी है। आखिरी का जो जो हम लोगों ने व्लॉग में जो ना एक थोड़ी सी बात करनी है, मुख्तसर सी बात करनी है, वो कि 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट की बात होगी, लेकिन आप लोगों ने वो बात मेरी लाजमी सुननी है, तो इंशाल्लाह आप लोग के फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, सही है। ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को देनी है, वो आप लोगों ने लाजमी सुननी है, सही है। मैं आप लोग को आगे चल के बताऊँगा। मैं यहाँ से जॉब के लिए निकल रहा था, तो सोचा कि मैं जो ना यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा एक व्लॉग बना लेते हैं अपने दोस्त भाइयों के लिए, क्योंकि आज जुम्मे है, जुम्मे का दिन है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग को जो ना जुम्मा मुबारक हो, सही है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ, ठीक है। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी नर्सरी, खूबसूरत खूबसूरती के लाजवाब, मुझे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे फूल वगैरह लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज जुम्मे का दिन भी है और जुम्मे का दिन जो है ना अच्छे काम से और अच्छी चीज़ों से शुरुआत की जाए तो बहुत प्यारा दिन गुजरेगा अल्लाह के हुक्म से। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी नर्सरी है, यहाँ से भी बड़ी बेहतरीन हुआ है सारा साइकिल। तो मैं यहाँ से निकल रहा था जॉब के लिए, तो सोचा कि मैं
30 रोज पूरे हो जाएंगे बिला। अच्छा तो व्यूवर्स माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सारे बिल्कुल इन्होंने जुम्मे की नमाज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मेरे लिए भी दुआ की होगी। मैंने तो बहुत दुआ की आप लोगों के लिए जुम्मे की नमाज़ में। अल्लाह पाक मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल खुश रखे, आबाद रखे, सही है। अच्छा तो मैं ये बताया था ना कि आप लोग को मैं आखिर में जो ना कोई नॉलेज वाली बात बताऊँगा। तो व्यूवर ऐसा हुआ ना कि एक बंदा था, पास का गांव था, उस पास के गांव के अंदर ना एक जो है ना बंदर जो है ना चला गया कुएं के अंदर, जो है ना बंदर गिर गया। और वो बंदर जब गिरा ना तो आसपास वालों ने सब ने जो है ना शोर मचाया। शोर मचाने के बाद उन्होंने कहा कि यार अब ऐसा करो कि किसी को जो है ना कोई निकालने वाला हो तो उसको निकालो, इसको बंदर को बाहर निकालो। तो एक बंदे ने कहा कि आप कोई ऐसा एक काम करते कि आप जो है ना वो पास के गांव में एक बंदा उसको बुलाते हैं, मुख्तसर सी बात करते हैं। तो उससे वो उस बंदे को बुलाया, वो बंदा आया। वो बंदे ने कहा कि भाई ऐसा कि मैं निकाल तो दूंगा लेकिन मुझे जो है ना रस्सा पकड़ने वाले मेरे वालिद को भी बुलाओ और मेरे भाई को भी बुलाओ। तो उसका वालिद उससे बोला यार अल्लाह के बंदे मैं भी हूँ, मेरे इधर गांव वाले भी हैं, सब हैं, हम लोग जो है ना आपका जो है ना हेल्प करेंगे और रास्ता आपको वो करेंगे। बोला नहीं नहीं मेरी शर्त है आप लोगों ने एक काम करने के उसको बुलाओ, मेरे भाई को और मेरे वालिद साहब को बुलाओ। बुला लिया, रास्ता अंदर डाल दिया गया। जैसे बंदर ऊपर आया, अंदर गोताखोर जो था अंदर चला गया कुएँ में, कुएँ से वो खींचा उसको। तो वो जो है ना जो बंदर था वो ऊपर आया और उस बंदर ने जो ना वो पानी के अंदर था तो वो काफ़ी थोड़ा सा ना मसलन तंग हुआ हुआ था। फिर उसने जो ना उस बंदर ने जो ना झपटे मारने शुरू कर दिए कि कोई किसके पास, कोई किसके पास, कोई किसके पास, मतलब जो रस्सा खींच रहे थे रस्सा एक एक करके दो दो करके छोड़ते गए। और इस तरीके से अब जितने गाँव वाले थे उनमें से जो रस्सा पकड़ा हुआ था सब ने छोड़ दिया। उसका जो भाई था और उसका वालिद साहब जो था ना उसने उस रस्से को बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्यों? उसका अपना खून था, उसको पता था कि अगर मैं रास्ता छोड़ता हूँ तो मेरा भाई मर जाएगा, अगर मैं रास्ता छोड़ता हूँ तो मेरा बेटा मर जाएगा, पानी के अंदर गिर के मर जाएगा। तो ये समझाने का मकसद ये था कि भाइयों और अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप बहन भाइयों से प्यार से चलो, उनका ख्याल करो, उनसे मोहब्बत से चलो। आपसे अगर वो छोटा है तो आप उससे प्यार मोहब्बत करो, अगर वो आपसे बड़ा है तो आप उससे इखलाक से और प्यार से उसके साथ चलो। क्योंकि जो बहन भाई का और बच्चों बेटों वाला जो रिश्ता होता है ये बड़ा नाजुक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बान। और ये जुमा मुबारक दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोग को जो है ना जुमा मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।